कार्यालय सहायक एवं सामान्य सहायक एवं सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर समिति प्रबंधक एवं नवीन संवर्ग पद पर जो सीधी भर्ती है, तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है, क्या क्या आपको पढ़ना है इन एग्ज़ाम के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि हम बताएंगे कुल टोटल प्रश्न के लिए, दोस्तों यहाँ पर ये पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया गया है, 100 प्रश्न होंगे टोटल कुल, यहाँ पर 100 मार्क का ये आपका पेपर होगा, ठीक है। ये भर्ती परीक्षा है, 2 घंटे का होगा, 1 डे एग्ज़ाम। आगे चलें यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि जीटीएस आपको पढ़ना है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या था, भूगोल क्या है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, भौतिक दशा क्या है, जनगणना क्या है, पुरातत्व एवं पर्यटन और केंद्र सहित दोस्तों साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार, अर्थव्यवस्था एवं वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज सहित औद्योगिक ऊर्जा के साथ साथ यहाँ पर जल एवं खनिज संसाधन और समसामयिक घटनाएं और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा को ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि जनौला, मुहावरे और छत्तीसगढ़ी व्याकरण की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि बता दें कि छत्तीसगढ़ जीएस सामान्य ज्ञान से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये 10 प्रश्न होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर बता दें सेक्शन बी में, जहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आता है, जहाँ पर 10 मार्क के लिए दोस्तों 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल यहाँ से छत्तीसगढ़ जीएस से छत्तीसगढ़ के भाग से आपको 20 नंबर के लिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1-1 मार्क के लिए होगा। आगे चले यहाँ पर भाग दो में, जहाँ पर सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित, जहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं सहकारिता अधिनियम 1960 नियम और 1962 और सहकारिता समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख एवं संरचना और सहकारी समितियों का प्रबंधन, और यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि दायित्व तथा विषयाधिकार और परीक्षा और जांच निरीक्षण तथा पर्यावरण सोसाइटियों अन्य यहाँ पर चीज़ें देकर के रखी हुई हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यथा सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों पर लागू पार्ट वी सहित यहाँ पर दोस्तों अन्य चीज़ें भी देख करके रखी है, और परिस्थितियाँ, निक्षेप, बीमा और साथ साथ गारंटी नियम और बैंकिंग लेन देन के साथ साथ यहाँ पर सारी जानकारी आपको देख करके रखी हुई है। यहाँ से आपको दोस्तों 20-25 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 आपको प्रश्न होगा। आगे चलो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, भारत का जनरल नॉलेज रहेगा, जहाँ पर आपको बता दें कि भारत का इतिहास रहेगा, भारत में स्वतंत्रता की क्या भूमिका थी, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, भूगोल एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मौलिक पद, कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, और साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला एवं साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण, वर्तमान आर्थिक घटनाएं, यहाँ पर घटनाक्रम, यहाँ पर 10 मार्क के लिए आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पर गणित एवं तार्किक योग्यता है, जहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर परिमेय, अपरिमेय और साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख करके रखी हैं, धन, गुणा, गुणन, खंडन करना, वर्गमूल और धनमूल और घातांक, नियम एवं महत्तम, समापवर्तन और लघु समापवर्तन, जो भिन्न संख्या एवं उनके सक्रिय औसत चाल, और बीजगणित, और बीजगणित के मूल भूत जो नियम होते हैं वो, और सारी चीज़ यहाँ पर देख करके रखी है आपको, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और चक्रवृद्धि ब्याज, हानि, लाभ, सारी चीज़ यहाँ पर आपको पढ़नी होगी। साथ साथ आपको त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त और गोला, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं मैथ्स में, ये आपका मैथ के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन होगा ये वाला, ठीक है। आगे चलो यहाँ पर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में दोस्तों यहाँ पर स्वर, व्यंजन और वचन काल एवं सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, संधि, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोठी, इन सब का दोस्तों यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां की यहां पर दोस्तों 10 मार्क के लिए 10 क्वेश्चन हैं। आगे चलें यहां पर तो जैसे कि देख पा रहे हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, तो यहां पर आपको यहां पर नंबर होना, नंबर आपका आता होगा, सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर, जेंडर, और यहां पर आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, कंजुगेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रही हैं, पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। यहाँ अंग्रेजी से भी आपका 10 मार्क के लिए 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर से अगर बात करें तो कंप्यूटर का आपको जनरल नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आपका 15 मार्क के लिए 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 10 मार्क 80 मार्क का होता है, 80 क्वेश्चन होगा। महायोग दोस्तों 1 भाग एवं 2 भाग, टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 100 यहाँ पर आपका नंबर का होगा। तो ये आपका सिलेबस था, आई होप ये वीडियो को पसंद होगा, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ये सहकारिता बैंक के लिए जो भी अभी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए ये पाठ्यक्रम है, तो इसके लिए प्रिपेयर